बहुत महत्वपूर्ण एक आईएलओ ने कन्वेंशन पास किया है सबकी सहमति से, मेजोरिटी की सहमति से, उस पर वोट हुई है, परंतु 12 वोट सिर्फ अगेंस्ट में थी, 381 वोट जो है उनके फेवर में थी। वो महिलाओं का जो काम के जगह पर या समाज में उत्पीड़न होता है उसको कानून के जरिए रोकने के लिए एक कन्वेंशन और रिकमेंडेशन जिनेवा में आईएलओ ने पास किया है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 साल की लाइफ है आईएलओ को, 100 साल हो गए उसको बने हुए को, पर 100 साल के बाद अभी सफलता मिली है कि वो महिलाओं के लिए उन्होंने ये कन्वेंशन वहाँ पर रिकमेंडेशन सबकी सबकी सहमति तो नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसको वोटिंग हुई है और वोटिंग में सिर्फ 12 देशों ने 12 वोट जो है उन्होंने खिलाफ डाले हैं, और उसमें हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने भी इसके विरोध में वोट डाला है, और हमारे हिंदुस्तान के जो लॉयर हैं उनकी फेडरेशन है उन्होंने भी खिलाफ में वोट डाला है, और एक हमारे हिंदुस्तान की यूनियन है जो कर्मचारियों की यूनियन है उसने भी उसके खिलाफ वोट डाला है, और बाकी और भी जो 3-4 वोट 12 वोट हैं तो क्योंकि 3 हमारे हो गए तो बाकी 9 वोट जो है किसी दूसरे कंट्री बड़े ईरान ने खिलाफ में डाला है, और एक दो कंट्री छोटी हैं उन्होंने डाला है, परंतु नाम के तौर पर है क्योंकि मेजोरिटी से भी ऊपर जाकर वोटिंग उसके हित में पड़ी है, और उसी को देखते हुए हमने ये एक यहाँ पर सेमिनार रखा है देश में, और उसमें विभिन्न विभिन्न सेक्टरों से जो महिला लीडर हैं उनको उनकी यूनियनों से हमने उनको बुलवाया है, उनको नॉमिनेट किया उनके लीडरों ने, और कल से हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल आईएलओ के सीनियर ऑफिसर इसमें मौजूद थे, और दूसरे मजदूर संगठन जो हैं हमारे उनके भी शेष जो श्रेष्ठ नेता हैं वो भी इसमें मौजूद थे, और आज जो है सेकंड डे है लंच के लिए अभी खड़ा हुआ है, अभी क्लोजिंग सेशन हुआ, और इसमें भी जो जिस तरीके की महिलाओं ने और दूसरे यूथ लीडरों ने चर्चा की है उससे हमें लग रहा है कि इसका जो आउटकम आएगा उसकी हम शाम तक क्लोजिंग करेंगे, और इसके ऊपर रिपोर्ट बनेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनेगी, बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट बनेगी, और जो आईएलओ ने कन्वेंशन पास किया है उसकी देखते हुए रिपोर्ट बनेगी, और ये जो SDG गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन यूनाइटेड नेशन ने 193 कंट्रियों के उनके सहयोग से ये यूनानिमस जिसको मैं कहता हूँ कि जिसमें कोई भी विरोध नहीं था ये वहाँ पर उन्होंने 17 गोल तय किए हैं जो 2030 तक उनको उसका प्राप्ति करनी है अचीव करनी है मेंबर कंट्रियों ने 193 कंट्री के, उसमें डिफरेंट बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर वो एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उसमें एक तो ये है कि दुनिया की में से गरीबी खत्म होनी चाहिए और सबको रहने का अधिकार है, और इसलिए गरीबी खत्म होनी चाहिए, सब बच्चों को चाइल्ड लेबर में से बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, बच्चे स्कूल में जाएं, बच्चे प्ले ग्राउंड में जाएं, बच्चे जो हैं वो काम पर ना जाएं, ये भी उसमें उन्होंने सहमति बताई है, और आने वाले समय में जिस तरीके से नौजवान कार करने के लिए काम करने की तलाश में बाहर निकलते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उनको एक अच्छी नौकरी डिसेंट जॉब मिलनी चाहिए, और उसको डिसेंट जॉब के साथ उनकी सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा बुढ़ापे का सहारा पेंशन मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज हैं और ये सारी सुविधाएं मकान की हैं बच्चों की पढ़ाई की हैं ये सब उनको मिलनी चाहिए, ये ऐसा उन्होंने तय किया। और उसमें एक इशू जो ये जेंडर 5 वाला है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कल से वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला जो है बराबर का हिस्सा रखती है पुरुष के, और कोई भी देश और समाज या घर तब तक तरक्की और उन्नति और चल नहीं सकता है जब तक वो महिला का उसमें भागीदारी हिस्सेदारी सम्मानजनक ना हो। इसमें देखिए अगर हम बहुत भूतकाल में जाएं तो हमारे देश में बहुत ही एक इस तरीके के सामाजिक रीति रिवाज बने हुए थे, उसमें महिलाओं को छूट नहीं थी, घर से नहीं निकल सकती थी, बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते थे माँ बाप, उनको घर में रखते थे, शादी के बाद दूसरे घर के लिए जाएंगी, और उनके साथ लड़के के कंपैरिजन में दुर्व्यवहार होता था, लड़की को कोई जो
इच्छा अनुसार भी उसकी इच्छा पूरी नहीं की जाती थी। उसको कहा जाता था कि आप लड़की हैं, भाई के लिए आपके ये करना है वो करना है, और आप बाहर नहीं निकलेंगी, बाहर का समाज खराब है, और शादी करके दूसरे घर में भेजते थे, डोरी देनी पड़ती थी, वहाँ पर जो डोरी कम लेके जाते थे उनको बेइज्जती होती थी, उनको बहुत तंग किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, कई लड़कियाँ जल जाती थी शादी के बाद, और बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं उनको मिलता था। हमारे यहाँ पर सती प्रथा थी, आदमी मर गया तो साथ में उसी के साथ जिंदा में औरत भी जल जाती थी, ये उनको कंपेल करते थे, जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, आपका आदमी मर गया आप सफेद कपड़े पहनेंगे, आप बिंदी नहीं लगा सकती, आप चूड़ी नहीं पहन सकती, आप रंग वाला कपड़ा नहीं पहन सकती। ये सब महिलाओं में जागरूकता आई और उसके नियम बन गए, कानून बन गए, ये अब क्राइम हो गया, अगर इनके विरुद्ध कोई काम करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होते हैं। अभी जागरूकता समाज में आ गई है और ये मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, क्योंकि देश की 50% पॉपुलेशन अगर देश का निर्माण करना है, देश का विकास करना है, तो उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होना बहुत ही जरूरी है। और इसी के ऊपर ये दो दिन का हमारा सेमिनार चला है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो जितनी जागरूक महिला नेत्रियाँ यहाँ आई हुई हैं उनके साथ यूथ नेता भी लड़के आए हुए हैं, जो ये कहते हैं कि यंग लड़कियों को भी अधिकार जो है वो मिले, तो उसके ऊपर एक हमारा पेपर आएगा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पेपर आएगा, और वहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हम भेजेंगे, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजेंगे कि हमारे देश में यूनियन जो हैं महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूक हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनके अधिकार उनको सम्मानजनक मिले।